अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्राक न्यूज़। मैं हूं हुमा खान। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कोट सुल्तान का दौरा। उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी और गायनी वार्ड का मुआयना किया और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। सेक्रेटरी हेल्थ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मरीजों को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुबह भर की अस्पतालों के इंतजाम बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काविशें ब्रोएकार लाई जा रही हैं और स्टाफ की हाजिरी के निज़ाम को भी शफाफ बनाया जा रहा है। ये विजिट ऑब्वियसली बड़ा हमारा पूरे पंजाब का ये डिटेल प्रोग्राम है। जितने भी अस्पताल हैं उसमें गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का विजन है कि हम फ्री अद्वियात दें और पेशेंट जब आए तो उसको बुनियादी सर्विस डिलीवरी जरूर मिले। उसी के सिलसिले में मैं ये पंजाब के जो खासतौर पर साउथ पंजाब का विजिट कर रहा हूँ, कोट सुल्तान भी उसी सिलसिले में आया हूँ और इस वक्त रीवैम्पिंग का भी काम चल रहा है, उसको भी एक्सपेडाइट करवा रही है ताकि महीने डेढ़ के अंदर अगर वो कम्प्लीट हो जाए तो अस्पताल के ऑपरेशन रूटीन और नॉर्मेलिटी पे आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्राक न्यूज़।